तो हमने यहाँ पर अपना फैन है डीसी वो 24 वोल्ट का यहाँ पर रख दिया है, और अब हम यहाँ हम पावर ऑन करते हैं। तो हमने पावर ऑन कर दिया, ठीक। पावर ऑन होने से चलेगा नहीं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर स्विच में सेट कर रखा। जैसे हम यहाँ पर मोटर चलाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टाटा सोलर सिस्टम में। मेरा नाम है शैतान सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टाटा सोलर सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक डीसी फैन लगाएंगे जो टाटा कंट्रोलर में। अब यहाँ पर INVT का जो ड्राइव होते हैं उनके अंदर तो हमें ऑलरेडी जो फैन है यहाँ पर लगा होता है ऊपर की साइड, और शक्ति के अंदर भी जो सिग्मा ड्राइव है 2.0, और जिसके पहले भी जो ड्राइव थे उनके अंदर फैन लगा होता है। इस तरह के फैन लगे होते हैं 24 वाट के, डीसी फैन। तो ये फैन लगा होता है तो ये गर्म नहीं होता है। अभी इनके अंदर क्या है, टाटा के अंदर, टाटा या ओसवाल का कोई सा भी कंट्रोलर हो, इनके अंदर जो अभी ये हीटिंग दे रखी है, ये हीटिंग कोयल दे रखी है, इनके अंदर जो ये हवा को खींचती है और ये गर्मी को ठंडा करती है। ये कार्ड अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी यहाँ पे देखोगे ये गर्म है, और इसके अंदर टू ये पीछे की साइड में जो लगे हैं ये वो हीटिंग की जो प्लेट लगी है जो हीटिंग को ठंडा करती है, हीटिंग नहीं होने देती। जो भी ये हीट होता है मदरबोर्ड तो ये खींच लेती है। तो अभी इनके अंदर हमें फ़ैन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो गर्मी का सीज़न आ गया है, ये जो पैनल भी गर्म होंगे इनके भी आएगी 40 के लमसम जो गर्मी चली जाएगी, फिर यहाँ पर ये एंगल भी गर्म होंगे, ये कंट्रोलर भी ये ऊपर के यहाँ से भी गर्म होगा, पूरा पूरा गर्म होगा। ये जो मदरबोर्ड है ये भी गर्म होगा, और अपना कार्ड भी उड़ता है। इसलिए बहुत से लोगों के अभी जो ये INVT के जो कार्ड है वो उड़ गए हैं, और कंपनी अभी जो कार्ड दे रही है वो इकोजेन का दे रही है, INVT का कार्ड नहीं दे रही है। INVT के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मतलब इनके अंदर जो ये रिमोट है ये भी INVT का रिमोट मिल जाता है आपको सही करने के लिए, पैरामीटर डालने के लिए। इकोजेन का जो रिमोट है वो अभी मिल नहीं रहा है ऑनलाइन और कहीं पर भी, ये भी ऑनलाइन नहीं मिलता है, ऑनलाइन कार्ड मिलते ही नहीं, ये जो रिमोट है वो नहीं मिलते, और फिर आपको परेशानी आती है कोई सा भी फॉल्ट, अगर छोटा मोटा फॉल्ट दूर करने के लिए। तो इसलिए INVT का जो कार्ड लगा है तो उसको आप गवाए ना, उसको अपनी सेफ्टी के हिसाब से ये कर ले। तो अभी हम यहाँ पर ये डीसी फैन लगाएंगे, ठीक है। डीसी फैन लगाने के लिए हमें जो एक तो हम लगाएंगे दो तरह से लगा सकते हैं, एक तो यहाँ पर जो ये IC दिख रही है ये हीट होती है, जब ये गर्म होती है यहाँ पर हम सेंसर लगा सकते हैं, जो हीट वाला सेंसर आता है वो सेंसर लगा सकते हैं, जिसके जो क्या होता है जब ये IC गर्म होगी तब फैन अपने आप चल जाएगा। एक दूसरी तरह हम यहाँ पर लगा सकते हैं डायरेक्ट, जो 24 घंटा जब पैनल से करंट आएगा जब भी दिन में पूरा दिन फैन चलेगा। तीसरी बात, जब हम मोटर चालू करेंगे स्विच पर लगाएंगे हम, जब हम मोटर चालू करेंगे तो हमारी जो फैन है वो चल जाएगा। तो हम अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम ये लगाएंगे और कहाँ पर इसका वायर लगेगा ये भी बता देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पेचकस है, तो अभी हम जो एक वायर लगाएंगे वो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, नोटल के अंदर। ये टॉगल स्विच का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपका ऊपर वाला, यहाँ पर लगाएंगे। और दूसरा जो वायर लगाएंगे वो आपको दिखेगा यहाँ पर, जो 24 वोल्ट DC है यहाँ पर, ये प्लस का निशान है यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, जस्ट कॉमन के नीचे ही है यहाँ पर, आपको वीडियो में दिख जाएगा शायद, हाँ, तो ये यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, 24 वोल्ट।
प्लस का जो ये है, ये वाला यहाँ पर लगाएंगे और ये यहाँ पर नोटल पर लगाएंगे ऊपर की साइड, ठीक है। यहाँ से हमारा फ़ैन चलेगा और फैन को हम इस तरह से इंस्टॉल करेंगे जिधर ये हवा अभी हवा देगा ये ऐसे रहेगा, ये साइड नीचे रहेगी। अगर ऊपर से हवा नीचे देनी है तो, और नीचे से हवा ऊपर देनी है तो इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो हमें जो अभी लगाना है, हमें जो यहाँ पर लगाएंगे, हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे जो प्रॉपर हमें जो यहाँ पर रख दिया हमने। और अब हम यहाँ पर अभी चला कर देखते हैं, अभी हम यहाँ पर, हाँ तो हमने यहाँ पर अभी प्लस का तो इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक अभी यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, हमें तो चला कर दिखाना, फिर बाद में हम लगा के। अभी हम यहाँ पर कॉमन वाले में और दोनों में लगा दिए, ये हवा देने लगे हैं नीचे की तरफ, अभी हवा दे रहा है और चल रहा है। अभी हवा देने से अपना जो आरपीएम है वो भी बढ़ने लग गया, जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे अपना आरपीएम बढ़ेगा। हाँ तो अभी हम इसका वायर लगा देते हैं, फिर बाद में बताते हैं कि कैसे हमने इसको लगा दिया। और ये हवा कहाँ पर दे रहा है ये हम आपको बताते हैं, किधर हवा दे रहा है यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे हमने रखा, इधर हवा दे रहा है, अभी नीचे की साइड में हवा दे रहा है, इतनी तेज हवा दे रहा है कि ये रुका ही नहीं जा रहा, ठीक है। ये हवा दे रहा है, ये आप देखोगे यहाँ तो क्या लगता है, ये हवा दे रहा है नीचे की साइड, ठीक है, इतनी फास्ट हवा दे रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर H2 का जो मैसेज आता है वो नहीं आएगा, मैसेज आने के बाद में भी हमारा जो कार्ड है उड़ जाता है यहाँ पे। ये इनको तो कूलिंग करेगा ये फैन जो है, जो यहाँ पर बहुत अच्छे से हवा दे रहा है। ये हम आपको हवा दिखाने, ये देखो इतनी अच्छी हवा दे रहा है और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। यहाँ रखने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर हमारा कार्ड है वो ठंडा ही रहेगा, तो हमारा कार्ड उड़ने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे जो यहाँ से, अब यहाँ से मोटर बंद करेंगे तब हमारा जो फैन है वो भी बंद हो जाएगा, तो फालतू भी फैन नहीं चलेगा और जब मोटर चलेगी तब भी तो हमारा जो ये कैपेसिटर और ये कार्ड है वो गर्म होता है मदरबोर्ड, हम हवा भी अच्छी मिल रही है। तो आप कार्ड लगवाना, कार्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हो, और ऐसे फैन लगाने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम ID है 7238, वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा और आप ये जो लगवा सकते हो। हम चित्तौड़गढ़ के बेगू तहसील से ये बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप आपको संपर्क कर सकते हो। अगर आप यहीं से हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप हमें संपर्क करके और DC फैन लगवा सकते हो। यहाँ पर फैन एक वो भी आता है बड़ा वाला, लेकिन अभी अपने पास तो मौजूद था वो 24 वोल्ट का 4.4 इंची था, वही 4 इंची फैन था वही था, लेकिन यहाँ पर बड़ा वाला फैन आता है वो 6 इंची होता है और यहाँ पर टेरना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करके जाना। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से आज हमारे 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं।
हाँ।